हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपने एग्जामिनेशन हॉल के एक्सपीरियंस के बारे में। कैसा लगता है जब बस कुछ मिनट्स में या फिर कुछ आवर्स में आपका पेपर, एक्चुअल पेपर आपकी आंखों के सामने आने वाला होता है। इतने सारे मॉक टेस्ट देने के बाद जब आप एक्चुअली अपने पेपर को देखने वाले होते हैं, जिसके लिए आपने एक साल तक या फिर 6 महीने तक 4 महीने तक मेहनत की होती है, इज़ इट नर्वस, एक्साइटेड और वॉट? तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको फील करवाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप एक बार इस चीज़ को फील कर चुके हैं ना, तो आप जब फाइनली उस चीज़ को फील करने वाले होंगे वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में, तब आपके पास उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। क्योंकि देखो, जो प्रेशर और टेंशन होती है ना बच्चों को पेपर होने से पहले की, वो उस सेंस ऑफ नॉट नोइंग द फ्यूचर की वजह से होती है कि आगे होने क्या वाला है। अगर तुम्हें पहले से ही पता होगा कि हम जब एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पर क्या क्या होने वाला है, तो तुम्हारी जो एक्साइटमेंट है ना, अजीब सी नर्वसनेस है, वो आधी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी और बाकी जो बचेगी वो पेपर की नर्वसनेस होगी कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, कहीं आउट ऑफ द सिलेबस ना आ जाएं, और जो नॉर्मली बच्चों के दिमाग में टेंशन और कन्फ्यूजन्स होते हैं। बट एक्चुअली वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रैक्टिस की है, हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। पेपर डिफ़िकल्ट आ सकता है, पर कॉन्सेप्ट तो वही लगने वाले हैं ना, और अगर हमने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो हमें इसके लिए भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करना जानते हैं पहले से। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो। और अब कहानी को हम थोड़ा आगे बढ़ा, तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं मेरे एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचने के बाद से। तो मेरा पेपर 14 फेब को था, इवनिंग शिफ्ट में 3 बजे से, और मैं पेपर देने पहुंच गई थी 2 या 2:15 तक मैं पहुंच गई थी। और ये मैं सबको एडवाइस करूंगी कि जब भी आपका पेपर हो, आप 1 घंटा पहले कोशिश करें कि एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाएं। पर ऐसा भी नहीं करना है कि आप 1 घंटे की जगह 2 या 3 घंटे पहले ही पहुंच जाएं एग्ज़ाम सेंटर में, क्योंकि आपको वहां पहुंचने के बाद भी वेट ही करना पड़ेगा। लेकिन 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद भी एक प्रोसेस होगा जिसके थ्रू आपको अंदर जाना पड़ेगा। वो डायरेक्टली नहीं बैठालते अंदर, वो वेरीफाई करेंगे कि आप वही इंसान हैं जिसने अप्लाई किया था या फिर कोई और आगे पेपर दे रहा है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक पहुँचने तक थोड़ी सी नर्वसनेस सी फील हो रही थी, मतलब नर्वसनेस नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ी उसे एक्साइटमेंट बोलूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व कर चुकी थी और मुझे एक्चुअली पता था कि मुझे उन 3 घंटों को कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्या क्या मुझे करना है उन 3 घंटों में। सो आई वॉज जस्ट रिकॉलिंग द प्रोसेस, द स्ट्रेटजी दैट आई हैव टू फॉलो ड्यूरिंग दोज 3 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन। और देखो, नर्वसनेस होती है, नर्वसनेस मुझे भी हो रही थी, पर मैं अपने दिमाग को बस ये समझाने की कोशिश कर रही थी बार बार कि भाई तुमने प्रिपरेशन करी है, तुमने पढ़ा है, अब तुम मैथ का पेपर देने जा रहे हो तो बायो में से तो क्वेश्चंस नहीं आ जाएंगे ना, कॉन्सेप्ट तो वही लगने वाले हैं। मैं बस अपने दिमाग को बार बार यही समझा रही थी। और एक लाइन जो हमारे टीचर ने हमें बताई हुई थी कि भाई तुमने 1 साल तक पढ़ाई की है, इसके लिए मेहनत की है, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका, तुम्हारे पड़ोसी का होगा। सो दैट लाइन वॉज स्टक इन माई माइंड एंड आई वॉज रिकॉलिंग अगेन एंड अगेन दैट लाइन ऑनली। और उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचे, उसके बाद वहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो हुआ था, उन्होंने आधार कार्ड देखा और वो कुछ अपना एड्रेस वगैरह पूछते हैं, अपने पापा का नाम पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं और आधार कार्ड नंबर पूछते हैं, आधार कार्ड देखकर और एडमिट कार्ड देखते हैं। उसके बाद 2-3 जगह पे ऐसा होता है, उसके बाद वो अंदर जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। मैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाकर इतनी नर्वस हो रही थी कि मुझसे अपना एड्रेस भी ठीक से नहीं बोला जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ, और मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे, मतलब थोड़ी नर्वसनेस हो जाती है ना, वैसा फील हो रहा था। ऑल्दो मैं अपने आप को बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन होता है ना कि दिमाग नहीं समझता है कितना भी उसको समझा लो। तो जो टीचर मुझसे एड्रेस पूछ रहा था ना, उसके बगल में एक टीचर बैठा हुआ था, वो मुझे देखकर बोला था, अरे बेटा शांत हो जाओ, काम डाउन, ऐसा क्या हो गया, बस पेपर ही तो है, जो पढ़ा है बस वही करना है तुम्हें वहाँ जाकर। अब मैंने ना यहाँ पे एक बेवकूफ़ी कर दी,
जब मैं एग्ज़ाम दिन हॉल में जाने वाली थी ना, वहाँ पर दो लड़कियाँ सामने खड़ी हुई थी बाहर पे। तो उनमें से एक लड़की, मतलब दोनों आपस में बात कर रही थी, एक लड़की ने बायोटेक्नोलॉजी का पेपर दिया हुआ था, तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई कैसा हुआ बायोटेक्नोलॉजी का पेपर जो मॉर्निंग शिफ्ट में था। तो वो बोलती है कि भाई मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। अब मेरा तो वैसे ही धक 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 होने लगा कि भाई सबके पेपर अच्छे हो रहे हैं तो मेरा क्या होगा। तो ये बिल्कुल पागलपंती है कि तुम एग्ज़ाम जब तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है ना, उससे पहले किसी और से बात मत करो, क्योंकि फालतू की जो टेंशन होती है दिमाग में, जो बात की हुई होती है, वो जब तुम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं वो तुम्हारे दिमाग में वही चीज़ रिकॉल होने लगती है। वहाँ पर ऐसा होता है ना कई बार कि हमने कुछ, जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो हम वो कोई एक कांस्टेंट जो गाना होता है वो हमारे दिमाग में ऐसे बार 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 रिकॉल होता रहता है, जो हमने कुछ दिनों पहले ही सुना होता है। तो जब हमें एक्चुअली पेपर पे कंसंट्रेट करना होता है तो हमारा दिमाग इन चीज़ों में डाइवर्ट हो जाता है। तो बस ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें फालतू की कोई चीज़ अपने दिमाग में नहीं डालनी है। उसके बाद मैं अंदर पहुँची एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, वहाँ पर बहुत सारे पीसीज लगे होते हैं जिस पे आपका एक्चुअली पेपर आने वाला होता है। वहाँ पर एक्चुअली हर एक पीसी में ऐसे कुछ वॉल वो लगा देते हैं जिससे कि इधर उधर का दूसरे बच्चे के पीसी में ना दिखे, ठीक है। और वहाँ पर हॉल में जाने के बाद भी एक प्रोसेस होता है, वो रजिस्ट्रेशन जैसा कुछ करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, जो फ़ोटो एक्चुअली आपके पीसी में शो होती है, जो पीसी आपको अलॉट होता है उस टाइम पे। तो बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स को आप जब आसपास बैठे हुए देखते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, पर एनीवेज टॉपर भी तो इनमें से कोई एक ही होगा ना। तो जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ गई थी ना अपनी पीसी पे, तो वहाँ पर 20 मिनट पहले टाइमर चलना स्टार्ट हो जाता है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले, मतलब ऑलमोस्ट 20 मिनट पहले, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। और 10 मिनट पहले लगभग वो हमें स्क्रिबल पैड प्रोवाइड करवा देते हैं जिस पे हमें सारा का सारा सॉल्यूशन लिखना होता है। कुछ इतना बड़ा होता है, इतना चौड़ा होता है, और कुछ 20 के लगभग पेजेस होते हैं, उसमें ज़्यादा भी नहीं होते हैं, और टोटल वाइट होता है और उसमें कोई रूल्ड पेजेस नहीं होते हैं, ठीक है। और आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में पेन पेंसिल जो भी आप लेकर जाना चाहते हैं वो लेकर जा सकते हैं। हाँ, कोई भी पेपर नहीं ले जा सकते एडमिट कार्ड और आधार कार्ड के अलावा, और अपनी फ़ोटो के अलावा फ़ोटो ले जा सकते हैं। और हाँ, वाटर बॉटल ले जाना मस्ट है, लिखा नहीं होता है ऑफिशियली कहीं पर मैं बोल रही हूँ कि ले जाना, ज़रूर ले जाना है इसको, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके 15-20 मिनट जितना भी टाइम मिलता है उसमें आप इंस्ट्रक्शन सारी की सारी पढ़ सकते हो अच्छे से, और अच्छे से पढ़ लो उसको, क्योंकि बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो शायद आपको एग्ज़ाम में कहीं पर नोटेशंस जो होती हैं वो शॉर्ट फॉर्म में लिखी होती हैं, फिर आप सोचोगे कि ये क्या है क्या नहीं है, तो वो उसको अच्छे से आप देख लो, जो एक पेज आपको पहले ही मिला होता है उसमें सब कुछ लिखा होता है। नाउ अब 3 बज चुके हैं और मेरा पेपर स्टार्ट हो गया है, पहला क्वेश्चन मेरी आंखों के सामने आ गया, और वो क्वेश्चन देखकर मुझे थोड़ा सा झटका सा लग गया क्योंकि डिफ़िकल्ट था। फिर मैंने उसको स्किप किया, मैं सेकंड क्वेश्चन पे गई, वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था। फिर मैंने उसको भी स्किप कर दिया, मैं थर्ड पे गई, वो भी डिफ़िकल्ट लग रहा था। ऐसे ही मैंने 4th-5th क्वेश्चन भी स्किप कर दिया, मैं 6th क्वेश्चन पे पहुंची, फिर मैंने देखा कि भाई मैं पहले 5 क्वेश्चंस स्किप कर चुकी हूँ, 6th क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट सा ही लग रहा था मुझे। तो मैंने उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करने लगी ज़बरदस्ती, जबकि मुझे आ नहीं रहा था इस प्रेशर में कि भाई पहले के 5 क्वेश्चंस मैं छोड़ चुकी हूँ ऑलरेडी, ये भी छोड़ दूँगी तो मैं अटैम्प्ट क्या करूँगी, कुछ भी नहीं। तो फिर मैं उसको अटैम्प्ट करने लगी, फिर भी वो मुझसे नहीं हो रहा था। उसके बाद मुझे चक्कर आने लगे, लिटरली वो पेपर इतना डिफ़िकल्ट सा लग रहा था मुझे कि मुझे चक्कर आने लगे। वो अच्छा हुआ कि मैं वाटर बॉटल लेकर गई थी, मैंने पानी पिया, थोड़ा सा काम डाउन हुई, काम डाउन किया अपने दिमाग को कि कोई बात नहीं
चाहे पेपर कितना भी डिफिकल्ट हो, आगे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें सिंपल मिल जाएंगे जो तुम सॉल्व कर सकते हो इजीली। मैंने उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दिया और मैं आगे बढ़ने लगी। जो भी मेरे से हो रहा था मैं कर रही थी, और जो नहीं हो रहा था मैं छोड़ती जा रही थी, बस छोड़ती जा रही थी, छोड़ती जा रही थी। मैंने पूरा ए सेक्शन कर लिया था। ए सेक्शन एक्चुअली डिफ़िकल्ट था। फिर मैं सी सेक्शन में गई, मैंने सी सेक्शन के कुछ जो भी क्वेश्चन आ रहे थे मैंने सॉल्व किए। फिर बी सेक्शन में मैं गई और बी सेक्शन में जितने हो रहे थे जल्दी जल्दी मैंने उतने सॉल्व कर दिए। फिर मैं ए सेक्शन में गई, मैंने थोड़ा सा रिवाइज़ किया, तो जो कुछ क्वेश्चंस मैंने कर रखे थे उनमें से कुछ गलतियां थी जो मैंने कर रखी थी। मैंने सोचा अरे यार ये तो मैंने वहां पर पढ़ रखा है, ये तो वो थ्योरम है। हाँ फिर इसका नहीं, ये आंसर नहीं होना है इसका, तो नहीं ये नीचे वाला डी ऑप्शन होगा सही। फिर मैंने वो करेक्शंस किए, वो वगैरह वगैरह किए थे। मतलब ओवरऑल 3 घंटे के पेपर में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक्चुअली कर क्या रही हूँ। और ऐसा होता है, हमें समझ में नहीं आता है कि हम एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा था कि मैंने क्वेश्चंस बहुत कम अटेम्प्ट किए हैं और मुझे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए थे। लेकिन फिर मुझे फिर से अपने सर की एक बात याद आई कि तुम लोग के साथ ऐसा होगा कि तुम लोग प्रेशर में आकर ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की टेम्प्टिंग होगी तुम्हें, लेकिन तुम्हें करना नहीं है क्योंकि इससे तुम्हारे नेगेटिव मार्क्स और तुम ले लोगे, सही नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम्हें दो मान लो कोई MCQ भी है ना, और उसमें दो क्वेश्चन तुम्हें, दो ऑप्शन तुम्हें पता है कि ये श्योर श्योर गलत हैं, लेकिन दो ऑप्शन में तुम्हें अभी भी डाउट हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो, उसे छोड़ दो। जितने तुमसे हो रहे हैं बस उतने ही करो। क्योंकि अगर पेपर तुम्हें हार्ड लग रहा है तो ऐसे सिर्फ तुम अकेले इंसान नहीं हो जिसे हार्ड लग रहा है। जितने भी लोग दे रहे हैं वो भी उतना ही पढ़े हुए हैं जितना आपने पढ़ा हुआ है, या फिर आपसे कम या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा ही पढ़ा होगा, तो उनको भी उतना ही डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो ऑब्वियसली कट ऑफ पे भी उसके अकॉर्डिंग ही फ़र्क पड़ेगा, तो इससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आई वॉज थिंकिंग द सेम, मैंने जितने मुझे हो रहे थे मैंने वो किए। उसके बाद जो लास्ट का टाइम था, जब 15 मिनट बच रहे थे, 15 मिनट बच रहे थे, वो मैंने पेपर ठीक है बस हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, ठीक है, इतने ही अटेम्प्ट करने थे मुझे, चाहे कुछ जो भी हो पेपर, जितना भी जैसे भी हो, जितने भी लोग जितने भी कर रहे हो, ठीक है मेरा हो गया। मैंने फिर सारे के सारे रिविज़िट किए, जो भी मुझे लग रहा था कि हाँ ये करेक्शंस हैं, मैंने सारे के सारे को करेक्शंस करी। अपने पेपर में हमेशा लास्ट के 15 या 10 मिनट्स रिविज़िट करने के लिए, रिवाइज़ करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए छोड़ दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि 10 मिनट में हम सोचते हैं कि भाई हमने इतने ही क्वेश्चंस किए, 10 मिनट में तो और भी कर लेंगे, लेकिन होता क्या है ना कि जितने भी क्वेश्चंस हमने करे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे हमने करेक्ट किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम गलत कर चुके होते हैं, जिसका हमें कोई भी आइडिया नहीं होता है, तो वो 10 मिनट रिविज़िट करने के लिए हमेशा छोड़नी चाहिए। ठीक है, तो पेपर ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने सारा कुछ अपना जो भी था तामझाम वहाँ से उठाया, और उसके बाद मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ गई। बाहर मेरा भाई वेट कर रहा था, उसने मुझसे पूछा कि भाई पेपर कैसा हुआ तेरा। मैं उससे बोल रही थी पेपर तो सही में यार बहुत डिफ़िकल्ट था, मुझे समझ में, क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैंने पेपर में वहाँ किया क्या है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रही थी उसको, जो भी मैंने कर रखा है। मेरे को ये भी नहीं पता था कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, मैं फेल हो जाऊंगी या फिर पास होंगी, कोई आइडिया लग ही नहीं रहा था मुझे। मैं बस बार बार जब रास्ते से मैं जा रही थी ना, मैं यही सोच रही थी कि यार क्या होगा, क्या क्या मैं करके आई हूँ, मतलब पूरा सत्यानाश कर दिया मैंने, 1 साल का 1 साल पढ़ाई की है। और मतलब ऐसे ही थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे। इवन उस दिन जब मैं सो भी रही थी ना रात में, तब मैं बस यही सोच रही थी बार बार, मुझे वो क्वेश्चंस याद आ रहे थे कि हाँ इस क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने ये अटेम्प्ट किया, यार ये सही तो है ना, ये गलत तो नहीं है, मतलब ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे उस दिन। सो दैट वॉज माई एग्जामिनेशन हॉल एक्सपीरियंस। थोड़ा सा डरावना था, नर्वस सिचुएशन थी। तो मेन मोटिव इस स्टोरी को सुनाने का बस यही था कि मैं जब इतनी नर्वस हो जाती हूँ फालतू की चीज़ों को लेकर भी, उस सिचुएशन में भी मैंने खुद को हैंडल कर लिया, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। बल्कि नर्वस होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जब तुमने प्रिपरेशन कर रखी है, अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट पेपर आए तुम हैंडल कर ही लोगे, ठीक है। बल्कि अगर नर्वस नहीं होगी तो तुम उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे।
ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा हमेशा होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो नहीं हो पाते हैं तुमसे। नहीं हो रहे छोड़ दो यार, सेकंड राउंड में देखेंगे, थर्ड राउंड में देखेंगे, और अगर तब भी नहीं होते हैं वो क्वेश्चंस तो एक्चुअली वो क्वेश्चंस करने के लिए थे ही नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करने के लिए एग्ज़ाम में दिए नहीं जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपका टाइम वेस्ट करने के लिए भी एग्ज़ाम में डाल दिए जाते हैं, आपका क्लेवरनेस चेक करने के लिए कि आप उन क्वेश्चंस को छोड़ रहे हो या कर रहे हो, बल्कि कि आप उन क्वेश्चंस के चक्कर में बाकी जो सिंपल क्वेश्चंस पड़े हुए हैं उनको भी छोड़ दे रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, जब पेपर ऐसे आ जाए तो सो दैट वॉज माई स्टोरी, और एंड तो तुम्हें पता ही है कि वेयर आई एम राइट नाउ। तो कोई भी सिचुएशन हो हैंडल कर सकते हो तुम, अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ाई की है तो। बस बिलीव इन योर सेल्फ, दैट इज़ द मेन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो भी तुमने पढ़ाई की है, जो तुमने थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिस की है, वो ठीक है, अब हो चुकी, मतलब जब तुम एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंच रहे हो तब तक वो उसको थोड़ा सा साइड में रख दो। अब तुम्हें बस एक काम करना है, अपने दिमाग को शांत रखना है, काम डाउन करना है बस, और पेपर जब देने बैठोगे उसको अच्छे से शांत दिमाग से क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करना है, दैट्स इट। तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।